धूमा जिला सिवनी के प्रखर वक्ता, जिले के ऊर्जावान जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा और मध्य प्रदेश में एक नई पहचान के रूप में उभर कर आने वाले युवा नेता योगेश भरे को जन्मदिन के उपलक्ष में आज आशीर्वाद लेने पहुंचे युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष योगेश भरे, जिसमें सभी सम्मानित अतिथिगण द्वारा आशीर्वाद दिया गया और सभी सम्मानित गणों की उपस्थिति में केक काटा गया, जिसमें सम्माननीय केवलारी विधायक राकेश पाल और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आलोक दुबे और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे और जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा जयदीप चौहान और जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा योगेश भरे को बधाई और आशीर्वाद प्रदान कर उनके जन्मदिन की अनंत और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए समस्त वरिष्ठ सम्माननीय गण द्वारा आशीर्वाद दिया गया। वाला न्यूज की तरफ से शुभम गोलानी की ओर से भाई योगेश तिवारी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भाई साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? आज जन्मदिन है और सभी मेरे युवा साथियों से हमने अपील की थी, जैसे कि ये वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, कि होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और जगह जगह जो हम हर वर्ष की तरह जो हम बर्थडे हमारा मनाते थे, मेरे सभी भाइयों से मेरा आग्रह किया और सभी ने माना भी इस बात को। हमने अभी पार्टी कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय आलोक दुबे जी, हमारे केवलारी के विधायक राकेश पाल जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी जयदीप सिंह चौहान जी, हमारे प्रशांत जी रहे, चक्रेश भाई रहे, उत्तम जी रहे, समस्त भाइयों के साथ हमने अभी जन्मदिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण से, शांति प्रिय तरीके से, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक जन्मदिन मनाया सिंपल तरीके से। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ, जन्मदिन है मेरा और सभी भाइयों ने मेरी बात को माना। आज बिल्कुल सभी जगह सेवा का भाव से सभी जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर मरीजों को फल वितरण जैसे कार्यक्रम किए गए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, ना होर्डिंग लगाई गई कहीं पे। सब उस मैंने बोला था कि होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की बजाय हम इस वैश्विक महामारी में कैसे सहयोग कर सकते हैं, उस भाव से मेरे सभी युवा साथी आए। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।